नमस्कार मदर शक्ति, प्रेगनेंसी एंड केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूसरे महीने गर्भावस्था का ध्यान कैसे रखें, इस पर चर्चा करेंगे। जिन महिलाओं का दूसरा महीना होता है उसमें कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में शरीर में कौन कौन से बदलाव को नजर आ सकते हैं और कौन कौन से व्यायाम हम कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रेगनेंसी के पहले महीने में एक बार तो महिला को पता ही नहीं चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, खासकर उन महिलाओं को जो पहली बार माँ बन रही हैं। लेकिन दूसरे महीने में बहुत सारे लक्षण ऐसे नजर आने लगते हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वह गर्भवती है। प्रेग्नेंसी के दूसरे महीने में शरीर के अंदर हार्मोनल बदलाव बहुत तेजी से होते हैं। इसमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, इसमें आपके स्तनों का आकार बढ़ सकता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बार बार बाथरूम जाने की इच्छा हो सकती है, आपका स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या और जी मचलाने या उल्टी आने की समस्या महसूस हो सकती है। इस दौरान महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, ये सब हार्मोनल बदलाव होते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने का मन कर सकता है, हल्का सा रक्तस्राव आपको देखने को मिल सकता है, दर्द और खुजलाहट की समस्या बढ़ सकती है, महिलाओं का वजन भी बढ़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के बारे में जानना बेहद सुखद अनुभव है। हर माँ अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती है, उसके विकास को महसूस करना चाहती है, उसे अच्छा लगता है। मातृशक्ति दूसरे महीने में बच्चे का आकार लगभग 1 इंच के आसपास हो जाता है, उसका वजन 14 ग्राम तक हो सकता है। इस दौरान बच्चे की नाक, आंख, लीवर और कान आदि बनने शुरू हो जाते हैं और दांत बनने की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो जाती है। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण का हृदय काम करना शुरू कर देता है और उसके दिमाग का विकास भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में पता नहीं चलता कि प्रेगनेंसी है या नहीं, तो उसके कुछ लक्षण हैं जो शरीर में थोड़ा सा अलग सा महसूस करते हैं, बाकी कुछ शारीरिक परेशानियां नहीं होती। इस दौरान भ्रूण काफी नाजुक होता है, इस समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको बहुत कोई झटका ना लगे। आपको इस समय बागवानी और जानवरों के पास जाने से आपको बचना चाहिए, भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए जो आगे चलकर आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी, जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। एक्सपर्ट की निगरानी में व्यायाम या एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको तकरीबन 20 मिनट रोज सैर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आप डॉक्टर की राय से तैराकी भी कर सकती हैं। अनुलोम विलोम और ध्यान लगाना आपके लिए अच्छा रहता है। कमर के बल मुड़ने वाले और पेट के बल मुड़ने वाले व्यायाम से आपको बचना चाहिए। ये किसी एक्सपर्ट या चिकित्सक या डॉक्टर की देखरेख में ही करें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।